Good morning, students. I am Shobhit Baspe, your English teacher. And today's class is for class 11, CBSE board class 11. And topic is a photograph. The very first poem of your syllabus and has been composed by Shirley Towson. ये जो है a photograph poem के ऊपर है. Shirley Towson ने लिखा है इसको. Shirley Towson का जन्म 20th मई 1924 इंग्लैंड में हुआ और बहुत ही फेमस राइटर हैं, एडिटर भी रही और क्रिश्चियनिटी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी, प्रभावित थी और क्रिश्चियनिटी के और इनका झुकाव था. ये पोम जो है ये द पोम शोज द क्रुएल्टी ऑफ टाइम. टाइम की क्रुएल्टी को दिखाता है. टाइम क्रुएल कैसे है, किस तरीके से वो निर्दयता अपनाता है और किस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में बदल जाती हैं बिकॉज ऑफ टाइम. टाइम की वजह से एक फोटोग्राफ है यहाँ पर. पुरानी फोटोग्राफ को देखा टॉलसन ने, उनकी मदर से रिलेटेड है. जब मदर अपनी चाइल्डहुड में थी, अपने बचपन में थी, 12 इयर्स ओल्ड की एज थी, तब उन्होंने वो फोटोग्राफ तब की थी जिसको देख के उनकी माँ एंजॉय करती थी और जैसे उन्होंने उसको देखा तो उनको अपनी माँ की याद आ गई और जो कि अब नहीं है, नो मोर. और वो साइलेंस हो गई उनकी लाइफ में. वो जो पेन है, जो एक वैकेंट प्लेस है, वो सारी चीजें रिमाइंड्स करती हैं और उन्होंने उस पोम को वहां पर कंपोज किया. उनका नॉस्टैल्जिक वे दिखाता है, बहुत ही जो याद के लिए आतुर होती है, जो चीजें बहुत याद आती हैं उनके लिए लिखा गया है ये सारी चीजें. और ये यहाँ ये पोम जो है ये इटर्नल थिंग्स या नेचुरल बींग्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में कंपेरिजन भी देता है कि जो नेचुरल चीजें हैं वो हमेशा के लिए रहती है और ह्यूमन बींग्स या क्रिएचर हमेशा के लिए नहीं रहते. कुछ स्पून ऑफ टाइम थोड़े समय के लिए रहते हैं और बहुत बड़ा इम्पैक्ट यदि छोड़ना चाहते हैं हमारी लाइफ में छोड़ते हैं. और जिंदगी में यदि ना भी रहते हुए रहना है आपको यहाँ पर लंबे समय के लिए, तो कुछ ऐसा काम करके जाना है कि हमारे ट्रांसिट फीट को, हमारी जो मार्क्स को, जो इम्प्रेशन को है, वो कोई भी वॉस्ट ना कर सके. चलिए आते हैं पोम में. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. कार्डबोर्ड एक थिक पेपर, स्टिक पेपर होता है बहुत मोटा, उस पर कोई चीज पेस्ट की रखी जाती. तो कार्डबोर्ड शोज एन एल्यूजन, ये एक एल्यूजन को दिखा रहा है, एक उल्लेख कर रहा है. एल्यूजन कर रहा है, उल्लेख कर रहा है क्या, कि कार्डबोर्ड वैसा ही है, बस उसके ऊपर जो फोटोग्राफ पेस्ट है उस फोटोग्राफ में जो लोग मेंशन है वो अब नहीं है, नो मोर. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, हाउ द डे वॉज, हाउ वॉज द टाइम, वो टाइम कैसे था, ये कार्डबोर्ड दिखा रहा है. When the two girls cousins went paddling, two girls cousins, दो गर्ल्स जो कजिन्स थी, किसकी, थर्ड वन की, राइट. वेंट पैडलिंग, कहा गई पैडलिंग करने, वेंट ऑन बीच पैडलिंग. पैडलिंग माने क्या होता है, वॉक ऑन सालो वाटर, बहुत उथले पानी में, हल्के पानी में, जो लगभग 2-4-5 सेंटीमीटर का हो, वहां पर जो चलना होता है, दैट इज पैडलिंग नो किया जाता है. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन मीन्स टू कजिन्स, वन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड अनदर वन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड अनदर फ्रॉम राइट हैंड साइड, दोनों उसकी माँ के हाथ को होल्ड किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, राइट, पकड़े हुए हैं. एंड शी द बिग गर्ल, क्यों, व्हाई, बिकॉज द मदर ऑफ टॉलसन वॉज द बिगर वन, सबसे बड़ी है, लंबी भी है और एज भी है, सबसे उम्र में भी बड़ी है. सम 12 इयर्स आर सो, उनकी एज कितनी होगी, अप्रॉक्स 12 इयर्स या थोड़ी आगे पीछे होगी, 12 इयर्स, मतलब इनोसेंट चेहरा है, बिल्कुल मासूमियत भरा चेहरा है उनकी मदर का. ऑल थ्री स्टूड स्टिल, वो सबके सब शांत खड़े हैं, पोज दिए हुए खड़े हैं. जैसे आप लोग सेल्फी लेने में पोज नहीं देते, आप लोग कोई फोटो स्नैप ले रहा होता है, ओकेजनल स्नैप ले रहा हो फोटोग्राफ, तो आप पोज देते हो, खड़े होते हैं. सेम वे यू स्टूड स्टिल, राइट, टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, और एक स्माइल है फेस में, दे पॉसेस एक स्माइल एडॉप्ट किए हुए हैं थ्रू देयर हेयर, उनका हेयर सब बिखरे हुए हैं, हेयर है उनके, उस हेयर के बीच में उनका चेहरा एक स्माइलिंग फेस है, किसके लिए, फोटोग्राफ देने के लिए, एक स्नैप देने के लिए. एट द अंकल विद द कैमरा, देयर वॉज अंकल, दियर अंकल, वहां पर एक उनके अंकल है, उसके टॉलसन के मदर के अंकल है, वो एक कैमरे के साथ है. एक सार क्वेश्चन आता है कि कौन वहां फोटोग्राफ ले रहा था, अंकल ऑफ टॉलसन मदर, राइट, वो कैमरे के साथ तैयार है स्नैप लेने के लिए, क्लिक करने के लिए. अ स्वीट फेस माई मदर्स, देखिए
अपनी माँ सबको प्यार, जिस माँ के लिए बच्चे सारे प्यारे होते हैं, पेरेंट्स के लिए उसके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, सेम वे बच्चों के लिए पेरेंट्स भी बहुत प्यारे होने चाहिए और होते भी हैं। उसने कहा अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा कैसा है, स्वीट इनोसेंट, एक बचपन, एक चाइल्डहुडनेस का जो चार होता है, जो एक मिरेकल होता है, वो वहां पर दिखाई दे रहा था, वो जादू दिखाई दे रहा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और क्यों स्वीट था, एक चीज और यहां पर दी कि ये फोटोग्राफ स्नैप जो ली गई थी वो कब ली गई थी, बिफोर आई वॉज बॉर्न, वो टॉलसन्स के जन्म के पहले ली गई थी। मीन्स हर मदर हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद एक बचपन में थी, उनका बचपन था, इंजॉय कर रही थी, हिलेरियस मूड में थी, अपने रिलेटिव्स के साथ थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बिकॉज ऑफ दैट हर फेस वॉज स्वीट, इसलिए उनका चेहरा कैसा था, स्वीट था। एंड द सी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ड क्वेश्चन, यहाँ कंट्रास्ट कर दिया गया, सी नेचुरल बींग थिंक है, इटर्नल थिंक है, राइट, और हाँ उसकी मदर कैसी है, ह्यूमन बींग है, क्रिएचर है, ठीक। कहता विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो सी है, जो कि उस स्नैप में दिख रहा है, उन लोगों के बिहाइंड पीछे दिख रहा है, वो चेंज लेस, वो टाइम के साथ उसमें चेंज नहीं आया, वो बहुत कम चेंजेज है, जैसा तब था वैसे ही लगभग आज है वो, क्योंकि कैसा है, वो नेचुरल बींग्स है, वो नेचुरल, स्ट्रांगली हिंट्स किया यहां पर, राइट, नेचुरल बींग्स और जो है ह्यूमन बींग्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो उसने दिखाया। वॉच दियर टेरेबली ट्रांसिट फीट, वो टेरेबली बड़ी तेजी के साथ टेरेबली वॉच कर रहा है, क्या है, ट्रांसिट फीट ऑफ देम, उनके ट्रांसिट फीट, ट्रांसिट माने चलाए मान, जो इधर से उधर चलता है, क्षणिक चीजें रहती हैं, बहुत स्पून ऑफ टाइम के लिए रहती है, उन्हें ट्रांसिट रहते हैं। हम लोगों ह्यूमन बींग्स को उसने ट्रांसिट कह दिया कि हमारा घर नहीं है, टीरेंस है, हम ट्रांसिट होम है ये हमारे लिए, हम घर रिप्लेस करते रहते हैं, जगह छोड़ते रहते हैं, तो लेकिन सी यहीं पर रह रहा है, वो ट्रांसिट फीट को, यहाँ पे जो नेचुरल चीजें हैं वो नेचर के साथ, नेचर बहुत जल्दी हम लोगों को रिप्लेस करता टेबली वॉश द ट्रांसिट फीट ऑफ देवुल, उनके पैरों को वॉश कर रहा है, उनके पैरों के मांस को, वो चल रही है धीरे धीरे, रेत में पालू है, पैरों के इंप्रेशन बन रहा है, जैसे आगे बढ़ती है तुरंत पीछे से जो है ओशियन सी की वेव आती है और उस जो है मांस को क्या करती है, वॉश आउट कर देती है, कंप्लीटेड। नेक्स्ट पैरा सेकेंड, सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20 या 30 साल बाद, 12 साल की थी, 40 या 50 साल प्लस में लेटर, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, जब टॉलसन्स की मदर स्नैप को देखती थी, अपनी पुरानी यादों को देखती थी, फोटोग्राफ्स क्या करती हैं, हमारी पुरानी यादों को ही तो दिखाती हैं, उनको हम देखते हंसते, अरे हम कैसे थे यार, हम इतने दुबले थे यार, ये इतने मोटे थे, अच्छा हम ऐसे थे, ऐसा भी था, नहीं यार हम तो ऐसे नहीं, बिलीव नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता, तो कहता है सी वुड लाफ, वो हंसती थी उस स्नैप में देख करके, क्यों, सी सी बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली इंपॉर्टेंट सार्ट क्वेश्चन, ये नेम टू कजिन्स के, राइट, बेटी एंड डॉली, सी वुड से एंड लुक हाउ दे, वो कहती थी होंगी, वो देखकर कहती होंगी जब हंसती होंगी, क्या राइट, क्या क्या कहती होंगी, कौन, मदर टॉलसन की, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि किस तरीके से हम लोगों को ड्रेसअप किया गया था बीच में जाने के लिए, अनआयरन, बिल्कुल जनरली प्रिपेयर कर दिया गया था, आजकल के बच्चे तो बड़ा प्रिपेयर होके जाते, तैयार हो जाते, सी हॉलीडे में जा रहे हैं, हॉलीडेज में जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जनरली प्रिपेयर कर दिया, ठीक, उन्हें तैयार किया गया और उनको ड्रेसअप किया गया, और ड्रेसअप अन आयरन ड्रेस, जनरल ड्रेस दे दी गई, और गई थी उस ड्रेस को देखे किस तरीके से ड्रेसअप किया गया था, राइट, केस जो भी रहा हो, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए, स्ट्रैक्ट के लिए पूछी जाती है, सी हॉलीडे, उसने कहा वॉज हर पास्ट, सी हॉलीडे में जाना मेरी माँ का पास्ट था, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब वो हॉलीडे नहीं पाती थी, नहीं जा पाती थी, माइन इज हर लाफ्टर, अनदर जो पॉइंट है वो और इम्पोर्टेंट, कहता है माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए, टॉलसन कहती है मेरे लिए उनकी मुस्कुराहट बहुत पुरानी बात थी, पास्ट बात थी, क्यों, बिकॉज सी वॉज नो मोर, क्योंकि अब मेरी माँ नहीं है, उनकी हंसी जब देखकर हंसती थी, उस हंसी का मैं इंजॉय करती थी, अब वो हंसी भी मैं देख नहीं पाती, वो हंसी मेरे लिए पास्ट है, बिकॉज सी वॉज नो मोर, अब वो यहाँ पर नहीं है, मेरी माँ के लिए वो हॉलीडे पास्ट बात हो गई, अब नहीं जाती थी, नहीं जा पाती थी, इस बात को लेकर अब जा भी नहीं सकती, अब मर गई एट द टाइम, और उनकी हंसी भी मेरे लिए पास्ट बात हो गई, क्योंकि सी आवाज तो मोरा वो नहीं थी वहां पर, बोथ ट्विस्टेड, माने ट्विस्टेड, मुड़ा हुआ, चेंज्ड विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, लेबर्ड माने हार्ड इफर्ट्स जो किए गए हैं, डिफिकल्ट इफर्ट्स किए गए, लेकिन कैसे डिफिकल्ट इफर्ट, इस माने इजी ऑफ लॉस, यहां ऑक्सीमोरन पर अगर आप स्पीच यूज किया गया है, विरोधाभास,
लेबल्ड और एज दोनों अपोजिट वर्ड है एक दूसरे के साथ आए, ऑक्सीमोरन इसलिए यूज किया गया, जहां पर दो अपोजिट वर्ड आते हैं वहां ऑक्सीमोरन होता है। बोथ रे ट्विस्टेड चेंज, दोनों चीज चेंज की गई, लेबर हार्ड इफर्ट से जो चीजें बनाई गई थी वो यहां चेंज की गई, एज ऑफ लॉस बड़ी इजिली लॉस में चेंज कर दी गई। मेरे लिए ये लॉस है, टॉल्सन ने कहा, मेरी मां का जाना एक वैकेंट प्लेस है मेरी लाइफ में, ये एक बहुत बड़ा लॉस है, पेनफुल है, जिसको मैं फुलफिल नहीं कर सकती हूं। राइट, आगे राइट, थर्ड पैरा, नाउ सी has been dead nearly as many years ago. See, had dead been, see, dead nearly as many years, or see, died many years ago. See, had died many years ago. बहुत सालों पहले वो मर चुकी है, मेरे साथ नहीं। Tolson said, I was alone here. कहती मैं अकेले हूं अब यहां पर। As that girl lived, वो लड़की जो रहती थी मेरे साथ, वो मेरी मां जो मेरे साथ रहती थी, बहुत सालों पहले मर गई। दो चीजें दिखाती, वो लड़की बहुत पहले मर चुकी, जो लड़की फोटोग्राफ है यहां स्नैप पे, वो लड़की बहुत पहले मर चुकी, मीन्स उसके जो केयरलेसनेस थी वो बहुत पहले खत्म हुई, जिस तरह की स्माइल वो बहुत पहले खत्म हुई, जैसे उसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी जाई, एज अ फेमिनिस्ट वो बोलती है जिस तरीके से बर्डन आए, उन्होंने हंसना छोड़ दिया, सारी चीज खत्म हो गई, और अब वो मर चुकी है, अब वो मेरी लाइफ में है भी नहीं। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस, और ये सर्कमटेंस, ये कंडीशन जो स्थित है, There is nothing to say at all. उस स्थिति में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, I am blank. मेरे पास words नहीं है, speechless हूं कि मैं उसको express कर सकूं, उस pain को express कर सकूं. It's silent silences. बहुत important last line. कहता है it's silent silences. यहाँ personification है. Silence को किसकी silence? Snapshot की silence. यहाँ personified किया गया snapshot. It's silent silences. इसकी silence, snap की, इस photograph की silence, silences मुझे silence करती है, चारों तरफ शांति को create करती है, silence कर देती है, मेरे पास एक words नहीं होते कि मैं कह सकूं, मैं अपने feelings को, अपने pain को दूसरों के सामने किस तरीके से outcome करूं, कैसे express करूं, इस तरीके से it's silence silences, हमेशा के लिए silence कर दिया उस part ने मुझे, speechless कर दिया है, मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहती, कुछ नहीं सोचना चाहिए, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं। यहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है, अल्टरेशन भी यहाँ पर बहुत जगह इस्तेमाल है, जैसे टेरिबली ट्रांसिट में इस्तेमाल किया गया है, माय मदर में इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर जो है ठीक है 2030 में इस्तेमाल किया गया अल्टरेशन, अल्टरेशन का भी इस्तेमाल किया गया है, तीन फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल है, लिटरेरी डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है अल्टरेशन राइट, ऑक्सीमोरन एंड पर्सनिफिकेशन। हमने पैड आपको कार्डबोर्ड बता दिया, स्टिप पेपर होता है, डिफिकल्ट वर्ड्स पैडलिंग, वॉक इन सैलो वाटर होता है, ठीक है ट्रांसिट मैंने टेम्परेरी, कहीं टेम्परेरीली आप रहे, स्नैपशॉट है, इनफॉर्मल फोटोग्राफ ले ली जाए, रेट ट्विस्टेड जिसे मोड़ के चेंज किया गया, बदला गया, लेबल डन विद ग्रेट डिफॉल्ट एंड एस, एस मैंने इजी सर्कमस्टांसेस कंडीशन, ठीक है इस तरीके से पोम खत्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरी फर्स्ट है, सबसे पहली पोम है, इसलिए इम्पोर्टेंट पोम है, आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से, जहां कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उन क्वेश्चंस को पूछिए कम जो है, और कैसा लगा वीडियो, कैसा है ये भी